किस्मत भी इधर नहीं है। दूसरे हेलो
अलैकुम, आप लोग को आवाज आ रही है, नजर आ रही है? अच्छा, पिछली दफा जो है थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, क्विकली जल्दी से कर लेते हैं। पिछली दफा टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था, तो आज टेट्रासाइक्लिन की फर्दर जनरेशंस, उनके डेरिवेटिव्स दो हैं वो पढ़ेंगे। एक है उसकी बताई थी, ये एक ग्रुप है जो फर्दर ड्राइव किया हुआ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का जो ड्रग थी उसका मसला ये था कि वो रेजिस्टेंस शो कर रही थी बाय मेकिंग अ प्रोटीन जो कि राइबोसोमल जो है उसके अगेंस्ट राइबोसोमल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती, अगेंस्ट राइबोसोमल प्रोटेक्शन। अब दूसरा ये कि इफ्लक्स पम्प्स थे जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया के होते थे उसको बाहर फेंक देते थे। वो ऐसी जीन्स उसके ऊपर, इफ्लक्स पम्प के ऊपर जीन्स ऐसी बना देता था बैक्टीरिया जिसकी वजह से उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर नहीं जा सकते थे, तो वो रेजिस्टेंस शो कर देता था उसके अगेंस्ट। तो अब ये नई ड्रग बनाई है जिसका है ग्लायसाइल साइक्लिन्स आर क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्राइव फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की बेसिकली रेजिस्टेंस, एक तो प्रोटेक्टिव राइबोसोमल प्रोटीन्स बना देती थी और दूसरा वो क्या करती थी कि इफ्लक्स पम्प्स के जीन्स ऐसी बना देती थी, उनमें जीन्स में ऐसी, इफ्लक्स पम्प्स के जीन्स में ऐसी म्यूटेशन कर देती थी कि बैक्टीरिया के टॉक्सिक सब्सटेंस ड्रग बाहर नहीं फेंक सकती थी। तो अब जो टेट्रासाइक्लिन, इसको ओवरकम करने के लिए ग्लायसाइल साइक्लिन्स ड्रग्स बनाएंगे। ये पूरा ग्रुप है ड्रग्स का, न्यूली ड्राइव ड्रग्स हैं फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन। दीज टेट्रासाइक्लिन एनालॉग्स आर स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ओवरकम टू कॉमन मैकेनिज्म्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। नंबर वन, रेजिस्टेंस मीडिएटेड बाय एक्वायर्ड इफ्लक्स पम्प्स, और जो दूसरी रेजिस्टेंस है बाय राइबोसोमल प्रोटेक्शन। इसकी एग्जाम्पल है इस ग्रुप की टेगीसाइक्लिन, इज द फर्स्ट अवेलेबल मेंबर ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कॉज ग्लायसाइल साइक्लिन। इनका जो एक मेंबर है उसका नाम है टेगीसाइक्लिन्स। टेगीसाइक्लिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ मिनोसाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स की तरह। मिनोसाइक्लिन्स जो है वो मेंबर है टेट्रासाइक्लिन का। डेगीसाइक्लिन या डेगीसाइक्लिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम पॉजिटिव पैथोजन, सम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, इनके अगेंस्ट ये काम करती है। टेगीसाइक्लिन इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है इन इन्फेक्शन के अगेंस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एग्जिबिट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन बाय रिवर्सिबल बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स। जिस तरह टेट्रासाइक्लिन काम कर रहा था, अगर याद हो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ा था और टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था, दोनों 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ बाइंड कर रहे थे ड्रग्स, ठीक है, बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, बैक्टीरियल सेल के 30S के साथ, और उसकी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी थी। अब जो ये वाली ड्रग है इसकी भी बैक्टीरियोस्टैटिक है और ये भी बाइंड करे 30S राइबोसोमल सब यूनिट से, एंड इनहिबिटिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन्स नहीं बैक्टीरिया के बनने दे रही। अफेक्टेड अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन जो होंगे उनमें जब मेथिसिलिन दी जाती है तो मेथिसिलिन ड्रग जो है उसके अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस जो रेजिस्टेंस शो करता है तो वो अनइफेक्टिव रहती है ड्रग मेथिसिलिन, तो फिर हम ये वाली ड्रग्स देंगे, टेगीसाइक्लिन देंगे। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, निमोनिया के अगेंस्ट भी देते हैं। वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाई, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ ड्रग्स होती हैं जो लैक्टम रिंग बनाती हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन। पेंसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ज़्यादा उसका यूज है, तो वो एक लैक्टम रिंग होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट लैक्टमेज एंजाइम बना लेता है, उसको ब्रेक डाउन करता है स्ट्रक्चर को। तो अगर ऐसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके अगेंस्ट फिर ये टेगीसाइक्लिन देते हैं। एक्नीटोबैक्टर वोमेनाई,
इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव जो है वो टेगीसाइक्लिन है। तो ये ड्रग जो है मेथिसिलीन रेजिस्टेंट, जब मेथिसिलीन काम नहीं कर रही होती तो ये देते हैं ड्रग। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो जाए, वैंकोमाइसिन ड्रग काम नहीं करी तो फिर भी ये देते हैं। और ऐसी ड्रग्स जो बीटा लैक्टम रिंग बनाती है और उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाता है उसके ब्रेक डाउन करने के लिए रिंग के, उनके अगेंस्ट भी ये ड्रग्स देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके ऑलमोस्ट वही हैं जो टेट्रासाइक्लिन के है, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोसेंसिटिविटी, सूडो ट्यूमर कैरिब्राए, डिसकलरेशन ऑफ परमानेंट टीथ व्हेन यूज्ड ड्यूरिंग द टूथ डेवलपमेंट, फीटल हार्म व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ प्रेग्नेंट वूमेन। सारे वही टेट्रासाइक्लिन की तरह के इफेक्ट है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल आपको एक एमसीक्यू आ सकता है कि इस जो ड्रग्स हैं ये क्यों बनाई हैं, तो वो इसलिए कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी उसको ख़त्म करने के लिए नए डेरिवेटिव्स लिए। फॉलोइंग अ 30 to 60 minutes इंट्रावीनस इन्फ्यूजन एवरी 12 hours के बाद देते हैं। टेगीसाइक्लिन इज एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट प्लाज्मा एंड बॉडी टिश्यूज, इट डज नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट लिवर मेटाबॉलिज्म, इतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ प्राइमरली एलिमिनेटेड वाया बिलरी और फीकल एक्सक्रीशन। अच्छा, अब ये नया ग्रुप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, सिर्फ आज ये ग्रुप पढ़ेंगे। क्लोरमफेनिकॉल इज एक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। इट इज यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस फॉर विच नो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। जब कोई ऐसी ड्रग्स जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव ना हो तो फिर क्लोरमफेनिकॉल यूज करते हैं। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे बताया हुआ, पहले हमने जो ड्रग्स पढ़ी वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर अफेक्ट कर रही थी। जो बैक्टीरिया उसका राइबोसोम है उसको हमने दो उसमें सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, 30S राइबोसोम्स और 50S राइबोसोम, दोनों मिलके 70S राइबोसोम बनाते हैं इंस्टेड ऑफ 80S। तो जो 30S है उस पर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट है अब उसके ऊपर क्लोरमफेनिकॉल फर्स्ट ड्रग है जो हम पढ़ रहे हैं और जो अफेक्ट कर रही है। इसके बाद उसके अंदर और भी ड्रग्स होती हैं जो फिर करती है मैक्रोलाइट्स वगैरह। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकॉल का क्या है कि ड्रग बाइंड्स टू द बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एट द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन प्रोड्यूसिंग बोन मैरो टॉक्सिसिटी। इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ये बैक्टीरियोसिडल है। बैक्टीरियोस्टैटिक ये था कि स्टेसिस कर दिया, स्टेसिस मतलब रोक दी उसकी ग्रोथ को बैक्टीरिया का, और बैक्टीरियोसिडल है कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कर दी है। अच्छा, इसका स्पेक्ट्रम क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्टिव अगेंस्ट नियरली द सेम रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा एज टेट्रासाइक्लिन लिखा हुआ है। जितना टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव है ऑलमोस्ट उसी तरह क्लोरमफेनिकॉल भी इफेक्टिव है। अब क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ एन आर फैक्टर दैट कोड्स फॉर एन एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, दिस एंजाइम्स इनएक्टिवेट्स क्लोरमफेनिकॉल। ये बेसिकली रेजिस्टेंस कैसे शो करता है, आर फैक्टर से। इसके अंदर एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज बैक्टीरिया के अंदर, जो कि इनएक्टिवेट कर देता है। जब हम क्लोरमफेनिकॉल ड्रग देते हैं पेशेंट को तो बैक्टीरिया जो है वो इस ड्रग अपने एंजाइम के थ्रू इस ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है। एंड एबिलिटी ऑफ द एंटीबायोटिक टू पेनिट्रेट द ऑर्गेनिज्म, इनएबिलिटी उस वो इन एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है क्लोरमफेनिकॉल की कि वो बैक्टीरिया के अंदर जा सके। दिस चेंज इन परमेबिलिटी मे बी द बेसिस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसकी वजह से बहुत सारी आर फैक्टर की वजह से जो है बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि जिसके अगेंस्ट जो है बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है इस एंजाइम की वजह से। ये क्या करता है, एंजाइम के अंदर चेंज ले आता है जिसकी वजह से क्लोरमफेनिकॉल जो है वो अंदर एंटर नहीं हो रही उसके। इंट्रावीनसली और ओरली देंगे क्लोरमफेनिकॉल, इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओरल रूट बिकॉज ऑफ इट्स लाइपोफिलिक नेचर। व्हाट लाइपोफिलिक नेचर होने की वजह से जो है ये
कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल रूट से एंड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी रेडिली एंटर द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स कन्वर्जन इन द लिवर टू ग्लूकोरोनाइट. आपने पढ़ा है ना लिवर के अंदर P450 इंजाइम्स होते हैं जो कि उसकी कॉन्जुगेशन और ग्लूकोरोनिडेशन करता है ताकि इसकी ड्रग की एक्सक्रीशन हो सके मैक्सिमम फेज वन फेज टू अगर आपको याद हो तो वो कह रहे हैं कि ड्रग डिपेंड कर रही है कि कितना लिवर जो उसको उसकी ग्लूकोरोनिडेशन कर रहा है. क्लोरामफेनिकॉल इज ऑल्सो सीक्रेटेड इनटू ब्रेस्ट मिल्क. एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या एनीमियाज कर रहा है हीमोलिटिक एनीमिया ऑकर इन पेशेंट्स. बहुत सारी ड्रग्स एंटी माइक्रो आपने पढ़ी थी वो एंटी मलेरियल ड्रग्स वो भी यही था कि एनीमिया कॉज कर रहे थे अगर अगर कोई पेशेंट ऐसे जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम्स जो कि मैंने बताया था आरबीसी को स्टेबल रखता है उसके स्ट्रक्चर को ये इंजाइम अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें उस पेशेंट के पहले इंजाइम चेक कर लेने चाहिए. अगर डेफिशिएंसी है तो फिर उसको ये ड्रग नहीं देंगे. उसमें क्लोरामफेनिकॉल भी इंक्लूडेड है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी इंक्लूडेड है तो ये ज़रा देखना पड़ता है एंटी मलेरियल ड्रग सॉरी. तो उसके अलावा क्या है रिवर्सेबल एनीमिया विच इज़ अपेरेंटली डोज रिलेटेड एंड ऑकर्स कॉन्कमिटेंटली विद थेरेपी. ए प्लास्टिक एनीमिया विच ऑल्दो रेयर इज इडियोसिंक्रेटिक यानी अनयूजुअल है लेकिन यूजुअली फेटल होगा. क्लोरामफेनिकॉल जो है ए प्लास्टिक एनीमिया भी कर देगा जितने भी बोन मैरो जो है वो सारे सेल्स बना रही है उन सारे सेल्स को वो कम कर देगा. उसमें एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स भी हैं वाइट ब्लड सेल्स भी हैं प्लेटलेट्स भी हैं. तो यूजुअली ये ऐसा अनयूजुअल है कि इडियोसिंक्रेटिक होता है अनयूजुअली सिचुएशन जो मतलब अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं तो कुछ लोगों को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करे लेकिन फ्यू ऑफ देम ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी ड्रग मतलब अपने एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगी. तो ये जो अनयूजुअल सा बिहेवियर होता है ये अगर किसी में है तो फिर वो फेटल हो सकता है डेथ हो सकती है इससे. अच्छा इसका एक बहुत बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम है. ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बहुत सारी ड्रग्स दे दी अब बताएं ग्रे बेबी सिंड्रोम कैसे होता है. ये वह ड्रग है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है. इन न्यूनेट्स इफ द डोजेज रेजिमेन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल इज नॉट प्रॉपरली एडजस्टेड न्यूनेट्स हैव अ लो कैपेसिटी टू ग्लूकोरोनाइलेट द एंटीबायोटिक्स एंड दे हैव अंडर डेवलप्ड रेनल फंक्शंस. जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं न्यूली जाहिर है उनका लिवर जो होता है सर लो कैपेसिटी होती है उसकी ग्लूकोरोनिडेशन इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा होता तो अंडर डेवलप्ड होता है तो डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सक्रीट द ड्रग विच एक्युमुलेट्स. अब वो जो ड्रग है क्लोरामफेनिकॉल अगर दे दी है तो वो क्या होगा कि वो जमा होती रहेगी उसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा यानी कि उसकी स्किन जो होगी ग्रे एश स्किन हो जाती है. उसके जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स वगैरह उनको उनके फंक्शंस को इंटरफेयर करने लग जाती है. दिस लीड टू अ बेबी जो है वो पुअर फीडिंग करेगा ब्रीथिंग रेट उसका ठीक नहीं होगा कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होगा साइनोसिस हो जाएगा ब्लूइश सी ग्रेइश सी स्किन हो जाएगी उसकी एश ग्रे होती है यूजुअली. ये देखें ये अभी तो सही तरह नजर नहीं आ रहा अगर देखें दोनों आईज के बीच में कहीं कहीं आपको ब्लू से ग्रे से स्पॉट्स नजर आएंगे इसलिए ग्रे बेबी सिंड्रोम है. उसके अलावा कोई बोन मैरो डिप्रेशन कर रहा है यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स कम हो गए पेनसाइटोपिनिया ए ग्रेनुलोसाइटोपिनिया यानी सारे जितने भी सेल्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स वगैरह न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स इओसिनोफिल्स आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स यानी इनके अंदर ग्रेनुल्स होते हैं सेल्स में उनको भी डिक्रीज कर रहा है. हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कर रहा है रैशेज फीवर एंजियोडीमा इनफ्रीक्वेंट है एंजियोडीमा स्वेलिंग ऑफ द लिप्स वगैरह जो एंजियोडीमा कहलाती है वो इनफ्रीक्वेंट है. इरिटेटिव इफेक्ट नोजिया वॉमिटिंग डायरिया सुपर इन्फेक्शन जैसे टेट्रासाइक्लिन जो है वो सुपर इन्फेक्शन करता है इसी तरह ये भी सुपर इन्फेक्शन करता है. ये थोड़ा सा नई ड्रग बताई हुई है क्विनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन. क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन इज अ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रेप्टोग्रामिन्स. ये दो ड्रग्स की ये दोनों एंटीबायोटिक्स मिक्स करते हैं
और जहाँ पर इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होते हैं जो उनके अगेंस्ट जो है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है, कोई ड्रग भी इफेक्टिव नहीं रहती, तो ये दोनों ड्रग्स का मिक्सचर दे देते हैं इन अ रेशियो ऑफ 30 to 70, 30/70 रेशियो में दोनों ड्रग्स देते हैं। दे आर डेरिवेट ड्राइव फ्रॉम अ स्ट्रेप्टोमाइसाइट्स एंड देन केमिकली मॉडिफाइड। द ड्रग इज नॉर्मली रिजर्व फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंड टेरोकोकस फेसियम। ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंड टेरोकोकस फेसियम इन्फेक्शन है बैक्टीरियल बैक्टीरियल और जो ये वैंकोमाइसिन जब उसमें ड्रग देते हैं तो वो रेजिस्टेंस शो करता है, वैंकोमाइसिन इफेक्टिव नहीं होती, तो फिर ये दोनों ड्रग्स मिला के इनका कम्बिनेशन दे दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दोनों जो है 50S बैक्टीरियल राइबोसोम के साथ जाकर बाइंड करेगी, ठीक है, फॉर्मिंग अ स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्शरी सा कॉम्प्लेक्स बनाएगी। Thus, they synergistically interrupt protein synthesis. Synergism effect है, यानी दोनों का मिल के effect है। Synergism effect याद है क्या है? Additive effect है दोनों का। The combination of the drug is bactericidal and has a long post antibiotic effect. ये मेरे ख्याल में आखिरी स्लाइड है, तो इसके रेजिस्टेंस बताई भी है। Enzymatic process commonly account for resistance to these agents. The presence of ribosomal enzyme that methylates the target bacterial 23 ribosomal RNA site can interfere in quinopristine binding. जो बैक्टीरिया का अंदर RNA जो होता है DNA and RNA होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो जो ribosomal enzyme है 23 ribosomal unit, उसके ऊपर ये जाकर बाइंड करती हैं ड्रग्स। The enzymatic, अब वो क्या होता है कि रेजिस्टेंस कैसे शो कर रहा है, वो अपना एंजाइम जो उसके अंदर दैट methylates द टारगेट बैक्टीरिया 23 ribosomal RNA site can interfere in quinopristine binding। वो अपने 23 ribosomal unit के ऊपर जो एंजाइम्स हैं जो बाइंडिंग हुई हुई है वहां पर इसकी ड्रग की बाइंडिंग नहीं होने देगा। द एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन कैन चेंज द एक्शन फ्रॉम बैक्टीरियोसाइडल टू बैक्टीरियोस्टैटिक। प्लाज्माइड एसोसिएटेड एसिटाइल ट्रांसफरेज इनएक्टिवेट डेल्फोप्रिस्टीन एंड एक्टिव इफ्लक्स पंप कैन आल्सो डिक्रीज लेवल्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया। अच्छा, ये ड्रग जो है 23rd राइबोसोमल यूनिट के ऊपर जाकर अफेक्ट कर रही थी बैक्टीरिया के, और एंजाइम मॉडिफिकेशन जो है वो इसका अगर थोड़ा सा एंजाइमेटिकली वो चेंज आ जाता है तो वो बैक्टीरियोसाइडल से ड्रग जो है बैक्टीरियोस्टैटिक बन जाएगी। और बताया हुआ है कि प्लाज्माइड जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उसके अंदर जो एसिटाइल ट्रांसफरेस एंजाइम है वो ये जो डेल्फोप्रिस्टीन है इसके अगेंस्ट और इफ्लक्स पंप्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। वही एफ्लिक्स पंप्स जो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं उनकी जीन्स को चेंज हो जाती है, चेंज आ जाती है जब जीन के अंदर, तो मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी जीन को और क्या होता है कि इफ्लक्स पंप्स अपना सही तरह फंक्शन नहीं कर सकते। तो जो डेल्फोप्रिस्टीन है ये इन एक्टिवेट हो जाएगी, ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकती। The combination drug is effective primarily against gram-positive cocci, methicillin-resistant streptococci. It's primarily used in the treatment of enterococcus faecium infection, including vancomycin resistance. The drug is not effective against enterococcus faecalis. दो तरह के infections होते हैं, एक faecium और एक faecalis, enterococcus हैं दोनों। तो एक जो इंटेरोकोकस फेसियम है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, लेकिन जो फिकेलस है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है, ये रेजिस्टेंस शो करता है बैक्टीरिया स्ट्रक के अगेंस्ट। कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, अभी ये है कि आपका मेरे ख्याल में पेपर जो होगा वो सिर्फ एमसीक्यूज हैं, 5 सिर्फ आपके लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, 6, 7, 8, 9, 10 अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज हैं सिर्फ, ठीक है। 35 एमसीक्यूज होंगे, 45 मिनट्स होंगे,
आराम से हो जाएंगे उसके अंदर। अपने लेक्चर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या उनके एडवर्स इफेक्ट हैं, क्या यूजेज हैं, और बाकी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन क्या हैं, यूजेस क्या है, मतलब आपने ए टू जेड सब कुछ अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है थॉरली, ठीक है। कल का दिन है, आज बैठ जाए याद अपना कर लें। किसी का और कोई पेपर है फार्माकोलॉजी के साथ? जब ये वाला शुरू करेंगे इसकी मैं प्रेजेंटेशंस आपको दे दूंगी आफ्टर ईट। आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन के लिए वर्कआउट कल करके रख लें और मैं आपको बता दूंगी कि उसके अंदर आप लोगों ने ऑनलाइन देना है या फेस टू फेस, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ दूसरे बैच ए का देखकर, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आप जरा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी प्रेजेंटेशन अगर टाइम हुआ तो वैसे ले लेंगे, वरना फिर आप लोग रिकॉर्ड करके दे दीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक को आफ्टर एग्जाम जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि फिर फर्दर कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो वो कर लें। थैंक यू जी। ओके बोले मैम, जो आज वाला लेक्चर है वो ये मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 17 है। देखिए आपके 10 लेक्चर तो वहां तक हो गए इम्यूनोसप्रेसेंट तक, उसके बाद 11th लेक्चर फंगल इन्फेक्शन का था, फिर उसके बाद 12th लेक्चर एंटीवायरल ड्रग्स था, उसके अंदर दो लेक्चर थे 12 और 13, ठीक है। उसके बाद 14th आपका लेक्चर था एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स 14, फिर 15th भी आपका प्रोटोजोल ड्रग्स पर ही था, दो थे, मैंने छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया था। फिर उसके बाद 15 के अंदर ही इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स था, वो मैंने 15 कंसीडर किया था जब शुरू किया था, 16 स्लाइड्स है उसके अंदर। एक एंटी प्रोटोजोल था उसके, और शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक्स। फिर उसके बाद वो आपकी 15 थी, फिर 16th लेक्चर जो लास्ट पढ़ा था एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, और ये 17th हो गया। इसको मैं आप लोगों ने वो देखे सारे अपलोड किए थे मैंने लेक्चर्स, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कर दिए हैं, एक रह गया शायद 16 लेक्चर LMS पर अपलोड किए मैंने। हाँ, वो मैंने एंटीबायोटिक्स जहाँ पढ़ाया था और जो प्रोटोजोअल ड्रग्स एक दिन में शुरू किया था, दोनों एक प्रोटोजोअल खत्म की थी एंटीबायोटिक शुरू की थी, तो उसको एक ही कंसिडर कर लिया था। कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैम? टोटल कितने लेक्चर हैं? क्वेश्चन पूछना है लेक्चर्स क्या? लेक्चर नंबर 6 से क्वेश्चन पूछना है। आप लोगों के लेक्चर 6 शामिल है जो कि है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। लेक्चर 7 शामिल है जिसमें उसकी थेरापेटिक यूजेस बताए हुए हैं, क्लिनिकल यूजेस के, उसमें बताया हुआ है कि SLE वगैरह के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस को के अंदर देते हैं कि रिजेक्ट ना हो जाए ट्रांसप्लांट, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में देते हैं, सर करके बताए हुए। और उसके बाद फिर आपका लेक्चर है सेक्स हार्मोन्स जिसमें एंड्रोजेंस का बताया हुआ है, और उसके बाद सेक्स हार्मोन्स और भी बताए हुए FSH LH मेरे ख्याल में इसी में बताया हुआ है, या वो नहीं, वो नहीं इसमें बताया हुआ है, ये एंड्रोजन वगैरह बताया हुआ था सेक्स हार्मोन में। और उसके बाद फिर आपका 7-8 लेक्चर जो है, ये कितने हो गए, 6-7-8 हो गए, यानी 6 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, 7th आपका क्लिनिकल यूजेज है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, 8th आपका सेक्स हार्मोन पर है, 9th जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स और इंसुलिन पर है, और 10th जो लेक्चर वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो थोड़ा सा बताया हुआ था वो है उसमें, और सेल्स का बताया हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सेल्स कौन से हैं जो वो ड्रग्स हैं उसमें, टिक्रोलिमस है ड्रग और साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड्स है, ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में होंगे तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर अपना वर्क शुरू करते हैं काम,
ठीक है, जहां पर इनकी बाइंडिंग होगी, जहां पर ये अपना डीएनए जो है उससे आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन, मैकेनिज्म सबका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो है जाके मेरे हाँ ये न्यूक्लियस के अंदर, जैसे थायराइड का था वो भी न्यूक्लियस में जाता था जहां पर उसकी बाइंडिंग होगी अपने फैक्टर के साथ, जहां पर वो ट्रांसलेशन करेगा, वो भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ओके मैम, इंसुलिन का कहाँ पे होता है ये डायबिटीज का? इंसुलिन का सेल मेम्ब्रेन पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है? सेल मेम्ब्रेन, चले चेक कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें, थैंक यू जी, ओके। इंसुलिन का जो है वो न्यूक्लियस पे नहीं होता, उसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक कह रही है ये, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? नो मैम, नो मैम। चलिए जी, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।